उधर दिवाली के मौके पर रेलवे स्पेशल राजधानी चलाएगी। मेंबर ट्रैफिक रेलवे बोर्ड मोहम्मद जमशेद के मुताबिक दिल्ली और मुंबई के बीच चलने वाली इस राजधानी से सफर का समय 2 घंटे कम हो जाएगा। खास बात यह है कि इस राजधानी में फ्लेक्सी फेयर लागू नहीं होगा और मौजूदा राजधानी के मुकाबले किराया 600 से 700 रुपए कम रहेगा। स्पेशल राजधानी को ट्रायल के तौर पर 16 अक्टूबर से 16 जनवरी के बीच चलाया जाएगा। हफ्ते में 3 दिन चलने वाली स्पेशल राजधानी की अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कोटा, वडोदरा और सूरत में राजधानी के स्टॉपेज होंगे। मेंबर ट्रैफिक मोहम्मद जमशेद ने बताया है कि ट्रायल सफल रहने पर दूसरे रूट्स पर भी स्पेशल राजधानी चलाई जाएगी। ये आप समझ लीजिए कि रेल मंत्री जी का ये सौगात है एक तरह से यात्रियों के लिए जो दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली यात्रा करते हैं, क्योंकि ये पहली दफ़ा इस दिशा में हम लोगों का एक मूव है, एक टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का, स्पीड बढ़ाने का, एक अच्छा पैसेंजर एक्सपीरियंस देने का। ये इंटरसिटी ट्रैवल है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है जहाँ काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं, जहाँ पे एयर फेयर से भी और एयरलाइंस भी बहुत ज़्यादा ऑपरेट करती हैं। इसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, एक हम लोगों ने पिछले दिनों एक ट्रायल कंडक्ट करी और मंत्री जी का कहना भी था कि इसमें स्पीड्स हर एक की देखी जाए कि कितना पोटेंशियल है।